यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, हर एक में 100 बिलियन स्टार्स हैं। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? आज जितने भी सवाल हमारे सामने खड़े हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। अब टेलीस्कोप्स की नई जनरेशन बिग बैंग की खोज करते हुए टाइम में और भी पीछे देख रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। ये इस बात को समझाने की होड़ है कि आज जिस भी चीज का वजूद है वो बगैर किसी जरिए के कैसे आई। स्पेस और टाइम खुद इस चमकते धब्बे से निकलकर फैल रहे हैं। वहां अंदर हम वो कंडीशंस रिक्रिएट कर सकते हैं जो बिग बैंग के एक माइक्रोसेकेंड के बाद थी। यूनिवर्स कहां से आया ये जानने के लिए हम कॉस्मोस का फैब्रिक एक्सप्लोर करेंगे और उस राज का खुलासा करेंगे जो कॉस्मिक होराइजन के परे छुपा है। यूनिवर्स के सबसे बड़े राज को खोलने की होड़ लगी है। सब कुछ यहां कैसे आया? आज नासा साइंटिस्ट की यह टीम इसका जवाब ढूंढ रही है। वो एक एयरबोर्न टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे यूनिवर्स के सबसे पहले पल को देख सकें। ये बिग बैंग के बाद के सेकंड का ट्रिलियंथ का ट्रिलियंथ का ट्रिलियंथ हिस्सा है, तो हम स्पेस और टाइम की शुरुआत को इतने ज्यादा करीब से देख पा रहे हैं। ये अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिग बैंग के बाद की काफी फीकी चमक भी दिख सके। ये इंस्ट्रूमेंट बलून के जरिए अर्थ के एटमॉस्फेयर के छोर के पास जाएगा, जहां उम्मीद है कि वो ये पता लगाएगा कि हमारा पूरा कॉस्मोस धमाके के साथ कैसे वजूद में आया। ये उन रेवोल्यूशनरी नई टेलीस्कोप्स और सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज में से एक है जो हमारे यूनिवर्स को उसकी शुरुआत तक रिट्रेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिग बैंग का आइडिया ये है कि हमारे यूनिवर्स का एक बर्थ मोमेंट था, यानी कि एक ऐसा समय जब यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था और अब करता है। मैटर कहाँ से आया, एनर्जी कहाँ से आई, और स्पेस और टाइम और मोशन, ये सब चीजें कहाँ से आई? हम दिल से ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और उसके लिए हम वक्त में पीछे तक जाते हैं और तब बिग बैंग से सामना होता है। नए तरह की टेलीस्कोप्स साइंटिस्ट्स को एक खास डिटेक्टिव मिशन लॉन्च करने में मदद कर रही है। वो उन क्रिटिकल माइलस्टोन्स का पता लगा रही है जिनसे यूनिवर्स बना, आज से लेकर हमारे सबसे पहले मोमेंट तक, यानी हम 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे जाकर बिग बैंग देखने की कोशिश करेंगे। टेलीस्कोप से हम बीते वक्त को देख सकते हैं। टेलीस्कोप एक तरह से टाइम मशीन जैसी होती है। हमारी एक अमेजिंग लिमिटेशन है जो एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी है, और वो ये है कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं है। लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, तो जब टेलीस्कोप्स हमारे स्टार को देखती हैं, वो उन्हें वैसे देखती हैं जैसे स्टार 8 मिनट पहले था। हमारे सबसे नजदीक की मेजर गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देखने पर पता चलता है कि वो 2.5 मिलियन ईयर्स पहले कैसे दिखती थी। सबसे दूर की गैलेक्सीज जो आज की टेलीस्कोप्स देख सकती हैं, वो उन्हें 13 बिलियन ईयर्स से भी पहले वाली कंडीशन में कैप्चर करती हैं। नए जनरेशन के टेलीस्कोप्स वक्त में और भी पीछे देखना चाहती हैं, यहां तक कि बिग बैंग के फौरन बाद के गर्म घने यूनिवर्स को भी। पास्ट में जाकर यूनिवर्स के ओरिजिन को रिट्रेस करने का पहला कदम है सबसे पहली गैलेक्सीज को बनते हुए देखना। वॉशिंगटन के पास नासा गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में
पॉल गाइथनर पहली गैलेक्सीज देखने के लिए एक टेलीस्कोप बनाने में मदद कर रहे हैं। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बना रहे हैं जो स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। हम इसे यूनिवर्स में कुछ सबसे पहली चमकती चीजें देखने के लिए बना रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्लीन रूम में इंजीनियर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप के सुपर सेंसिटिव मिरर्स और कैमरास असेंबल कर रहे हैं। उनका एम है उस व्यू से और आगे देखना जो हमारे यूनिवर्स का करंट फादेस्ट व्यू है, यानी कॉस्मोस के डिस्टेंट हिस्से का स्नैपशॉट, जब वो 500 मिलियन ईयर्स से भी कम पुराना था। लेकिन वो धुंधले डॉट्स स्टार्स नहीं है, वो पूरी गैलेक्सीज हैं। इतनी दूर कि आज के टेलीस्कोप्स उनका असली साइज या शेप नहीं दिखा सकते। जेम्स वेब टेलीस्कोप टाइम में और पीछे जाकर गैलेक्सीज को देखने और एक बहुत पुरानी मिस्ट्री को सुलझाने में मदद कर सकती है। आज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ने लाइफ की शुरुआत कैसे की? आज की गैलेक्सीज काफी विशाल 100 बिलियन स्टार क्लस्टर्स हैं, जिनमें एक डिस्टिंक्ट ऑर्डर छिपा हुआ है। धूल के परतों में लिपटे नए स्टार्स स्पाइरलिंग आर्म्स बनाते हैं जो हजारों लाइट ईयर्स तक फैले हैं। बीचों बीच एक घना बादल होता है, एंशियंट रेड स्टार्स का एक गुच्छा, और उसके अंदर साइंटिस्ट्स को लगता है कि एक बहुत विशाल ब्लैक होल है। पहली गैलेक्सीज कैसे बनी और इतनी बड़ी कैसे हुई जैसी हम आज देखते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जेम्स वेब को ये पहली गैलेक्सीज ढूंढनी होंगी। एम्बर स्ट्रॉन्ग चाहती हैं कि टेलीस्कोप यूनिवर्स की कुछ सबसे पुरानी लाइट कैप्चर करे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतनी बड़ी होने वाली है कि वो बीते कल में बनी कुछ सबसे पहली गैलेक्सीज देखेगी जो बिग बैंग के बाद बनी। टाइम में इतना पीछे देखना बहुत ही चैलेंजिंग है। बिग बैंग से यूनिवर्स के फैलाव की शुरुआत हुई। उस पल के बाद से स्पेस खुद और दूर दूर फैलता रहा है। इससे उस लाइट की वेवलेंथ में बदलाव आता है जो टेलीस्कोप देखने की कोशिश कर रही है। जो लाइट यूनिवर्स में से ट्रैवल कर रही है वो वाकई स्ट्रेच्ड है। लाइट की वेवलेंथ यूनिवर्स एक्सपैंड होने के साथ साथ स्ट्रेच होती है, और सबसे दूर की गैलेक्सीज उन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट इतनी दूर और इतने वक्त से ट्रैवल कर रही है कि लाइट की वेवलेंथ उससे ज्यादा रेड है जितनी ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स देख सकती हैं। वो लाइट इतनी ज्यादा शिफ्ट होकर इंफ्रारेड हो गई। जेम्स वेब के कैमरास इस एंशिएंट इंफ्रारेड लाइट देखने के लिए ट्यून किए गए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जो भी गर्मी ये टेलीस्कोप छोड़ेगी वो भी इंफ्रारेड में दिखेगी, जिससे इमेजेस खराब हो जाएंगी। इसे ज्यादा ठंडा रखने के लिए टेनिस कोर्ट जितना बड़ा अम्ब्रेला कैमरा को सूरज की किरणों से बचाएगा। हाईटेक ब्लैंकेट्स इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। हमारे पास है मल्टीलेयर थर्मल ब्लैंकेटिंग का एक टुकड़ा, और इसलिए इस तरह की ब्लैंकेटिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में यूज होने वाली है। ये मल्टीलेयर्स टेलीस्कोप की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बनाए रखने में मदद करती है, जिसकी हमें जरूरत है ताकि हमें जो अमेजिंग साइंस चाहिए वो हम पा सकें। कुछ हद तक इसकी ब्लैंकेटिंग की वजह से जेम्स वेब के कैमरास एब्सोल्यूट जीरो के बस 7 डिग्रीज ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली गैलेक्सीज को देखने के लिए जेम्स वेब में लगे बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स पहले स्पेस में होने वाली वायलेंट रॉकेट वॉयज में सलामत बचने चाहिए, और इसका मतलब है कि इसे नासा के खुद के बहुत कड़े टेस्ट को पास करना होगा। हम वेब जैसी किसी चीज पर दो तरह की टेस्टिंग करते हैं, हम उसे शेक और बेक करते हैं। शेक पार्ट में
हम उस वायलेंट एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं जो लॉन्च व्हीकल के हिलने से होता है। बेक पार्ट में हम यहाँ पेलोड्स डालते हैं नासा गॉडर्ड के सबसे बड़े थर्मल वैक्यूम चेंबर में। ये एक बड़ा मेटल कैन है और हम इसमें से सारी हवा निकाल देते हैं। इसे एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट पर लेकर जाते हैं जैसा इसे स्पेस में मिलेगा। जैसे ही इसका हर पार्ट नासा के टेस्ट पास कर लेगा, ये जायंट टेलीस्कोप हैवी लिफ्टिंग एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च होने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत स्पेशल है। यूनिवर्स को इवॉल्व होते हुए देखने के लिए ये एक बेहतरीन चीज है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे हम बॉल को देख रहे हो, पर जेम्स वेब इसको बदल देगा और यही बहुत एक्साइटिंग है। पर साइंटिस्ट्स ने पहली गैलेक्सी से भी ज्यादा दूर नई नई चीजों की खोज शुरू कर दी है और बिग बैंग तलाशने की कोशिश में उनके हाथ लग रहा है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यूनिवर्स का ज्यादातर मास वो चीज नहीं है जिससे स्टार्स, प्लैनेट्स या लोग बने हैं। साइंटिस्ट्स टेलीस्कोप्स की एक नई जनरेशन डेवलप कर रहे हैं ताकि बिग बैंग की खोज के दौरान यूनिवर्स की हिस्ट्री गहराई से जान सकें। पर पास्ट में करीब 13.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाने पर, यानी बिग बैंग होने के 300 मिलियन ईयर्स बाद, वो लाइट खत्म होती लग रही है। इसीलिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स बेकार साबित हो रहे हैं। जब हम अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से पास्ट में देखते हैं तो जाकर एक वॉल से टकरा जाते हैं। इसीलिए समय में और पीछे जाने के लिए साइंटिस्ट्स एक नई तरकीब अपनाते हुए पूरे यूनिवर्स को कंप्यूटर में बना रहे हैं। कैलिफोर्निया की स्लैक नेशनल एक्सेलरेटर लैब में रीसा एकदम शुरू से यूनिवर्स बना सकती हैं। उनका एम वो देखना है जो टेलीस्कोप्स नहीं देख सकते। हमारे यूनिवर्स का आज जो स्ट्रक्चर है वो उसे कैसे मिला? हम यूनिवर्स का एक मॉडल बनाने की कोशिश में हैं, वो भी मास स्केल्स, लेंथ स्केल्स और टाइम स्केल्स की बड़ी रेंज पर। और इसमें ऐसी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आप पेन पेपर से नहीं कर सकते। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसका यूज हम उस तरह के कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। इस सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी करीब 10,000 होम कंप्यूटर्स के बराबर है। इसकी शानदार पावर की हेल्प से रीसा कॉस्मोस में इकट्ठा करोड़ों स्टार्स के मॉडल बनाती हैं। अभी यूनिवर्स की जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से नंबर्स के काफी छोटे सेट से डिस्क्राइब किया जा सकता है जो यूनिवर्स के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्क्राइब करते हैं। इसमें बेसिक फिजिक्स लगाएं तो यूनिवर्स के जो लार्ज स्केल्स हैं उन पर ग्रेविटी डोमिनेट करती है, इसलिए हम उन दोनों चीजों को कंप्यूटर में डालते हैं और इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व होता है। बड़े बड़े स्काई सर्वेस ने करीब आधा बिलियन स्टार्स और गैलेक्सीज मैप किए हैं। इनसे रीसा को एकदम एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है कि आज कॉस्मोस कैसा दिखता है। फिर वो कंप्यूटर यूज करके बिग बैंग के ठीक बाद से अपने यूनिवर्स के मॉडल को इवॉल्व करती हैं। यूनिवर्स के इस वाले वर्जन में हमने उस स्टफ का एक एस्टिमेट अमाउंट लिया है जो हमें लगता है गैलेक्सीज के विजिबल पार्ट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत गैस भी है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जब रीसा हमारे यूनिवर्स के सिमुलेशन को चलाती है तो ये वो शेप नहीं लेता जो लेनी चाहिए। ग्रेविटी चीजों को साथ पुल करती है, इससे जो रीजन्स थोड़े डेंस थे और डेंस हो जाते हैं, पर हमने पाया कि ये प्रोसेस बहुत धीरे होता है। यहाँ इतना मटेरियल नहीं है कि ग्रेविटी तेजी से काम कर सके, इसलिए स्टार्स और गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में आकर वैसे इकट्ठे नहीं होते जैसे हम आज देखते हैं। और यहाँ जो फाइनल एंड टाइम है जिसे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो मूवी की शुरुआत से कुछ खास डिफरेंट नहीं लग रहा है। और इसी से हम समझ जाते हैं कि यूनिवर्स के इस वर्जन में कुछ तो ऐसा जरूर है जो मिसिंग है। जो भी मिसिंग है वो हमारे यूनिवर्स के बिग बैंग तक के समय को ट्रेस करने में बहुत बड़ी रुकावट है। पर कंप्यूटर पर यूनिवर्स बनाने की खास बात यह है कि रीसा अपने मॉडल को रियल वर्ल्ड से मैच होने तक अपडेट कर सकती है।
इससे पहले वाली मूवी में हमें जरूरी स्टफ क्लस्टरिंग नहीं मिली थी और इसको फिक्स करने के दो तरीके हैं। एक तो फिजिक्स के लॉज को चेंज करना, या आप यूनिवर्स में मटेरियल का अमाउंट बदल सकते हैं या काइंड बदल सकते हैं। जब रीसा पिछली बार से 6 गुना ज्यादा मटेरियल ऐड करती हैं, तब पहचान में आने लायक यूनिवर्स शेप लेने लगता है। तो हम इसमें मैटर का एक्स्ट्रा अमाउंट डालते हैं। हमने देखा कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट की वजह से ग्रेविटी तेज काम करने लगती है और वो गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करती है, जो काफी हद तक वैसा ही है जो हम अपने लार्ज टेलीस्कोप्स की हेल्प से मेजर करते हैं। यूनिवर्स के इस वर्जन में ये ब्राइट स्पॉट्स हमारी गैलेक्सीज रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो इनविजिबल मैटर के और चौड़े जाल में फंसी हुई हैं। तो वो छिपा हुआ स्टफ क्या है जिससे मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि बिग बैंग के वक्त से हमारा ज्यादातर यूनिवर्स बना हुआ है? गैलेक्सी को अलग करने पर प्रॉब्लम पता चलती है। इसकी गैस, डस्ट, प्लैनेट्स और स्टार्स सब कुछ निकालने पर इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, पर मॉडल्स की माने तो इसमें कुछ है जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देख पाते। डार्क मैटर, एक मिस्टीरियस और इनविजिबल सब्सटेंस जो हिडन हेलो बनाता है। इसकी एक्स्ट्रा ग्रेविटी गैलेक्सीज के उन पार्ट्स पर काम करती है जो हमें दिखते हैं, वो उन्हें साथ रखती है। अगर मॉडल सही है तो ये मिसिंग मैटर हमारे कॉस्मोस का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अभी जो हमें समझ आया है, यूनिवर्स का करीब 85% मास यही स्टफ है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। तो ये उस नॉर्मल स्टफ से अलग है जिनसे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और लोग बने हैं। ये यूनिवर्स में हर जगह है, यहाँ पर भी। हो सकता है कम से कम 1000 डार्क मैटर पार्टिकल्स हर सेकंड मेरे थंबनेल से होकर गुजर रहे हों। डार्क मैटर की खोज बिग बैंग को समझने की कोशिश में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अगर मॉडल सही है तो ज्यादातर यूनिवर्स ऐसे मटेरियल से बना है जिसे ना हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। कह सकते हैं कि एक पूरा यूनिवर्स है जो हमसे छुपा हुआ है। हमने यूनिवर्स का बहुत कम हिस्सा देखा है और ये शायद वक्त की शुरुआत से ही मौजूद है। इससे काफी हलचल मच जाएगी अगर हम वाकई क्लेम करें कि हम यूनिवर्स को समझते हैं। सिर्फ यही नहीं कि इसमें डार्क मैटर मौजूद है, बल्कि ये भी कि इसका रोल क्या है और वो है क्या। हमारे यूनिवर्स की स्टोरी अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट्स रियल वर्ल्ड में डार्क मैटर की तलाश कर रहे हैं। कैंपस के ही दूसरे छोर पर एरन एक टेलीस्कोप बना रहे हैं जो ना दिखने वाली मिस्ट्री दिखा सके। ये लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप चिली के रिमोट माउंटेन टॉप पर लगाया जाएगा। इसके 10 साल का मिशन है छुपे हुए डार्क मैटर को खोज निकालना। हमें काम को जो इस लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप या LSST से करने वाले हैं वो है आसमान की करोड़ों गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना। LSST डार्क मैटर की प्रेजेंस को गैलेक्सी से स्ट्रीम होने वाली लाइट को ट्रैक करके बताएगा। डार्क मैटर हेलो के गैलेक्सी क्लस्टर्स के आसपास होने पर पास होने वाले ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जैसे लेंस लाइट को बेंड करता है। LSST को इन सभी छोटे छोटे डिस्टॉर्शंस को रिकॉर्ड करना है, इसलिए इंजीनियर्स किसी भी टेलीस्कोप पर लगाया गया अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा बना रहे हैं। 189 जायंट सेंसर चिप्स बिलियंस गैलेक्सीज से आने वाली हल्की सी लाइट भी कैप्चर कर लेंगी। यही उस इमेज को रिकॉर्ड करता है जो टेलीस्कोप से दिखने वाले सीन को डिजिटल पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ये कैमरा 3 गीगापिक्सल्स के साइज की इमेजेस जनरेट करेगा। 2 सेकंड में हम कलेक्ट कर पाते हैं 6 गीगाबाइट्स और हम ऐसा हर 15 सेकंड में करेंगे पूरी रात लगभग 10 सालों तक। तैयार LSST बताएगा कि डार्क मैटर कॉस्मोस में एग्जैक्टली कहां इकट्ठा होता है। साइंटिस्ट्स को अब समझ आने लगा है कि किस तरह यह छुपा हुआ मैटर हमारे यूनिवर्स को बनाता है
ये इनको बिग बैंग की खोज के लिए समय में पीछे जाने देगा। गैलेक्सीज बनना शुरू हुई उससे बहुत पहले डार्क मैटर के फिलामेंट्स ने साथ आकर एक विशाल कॉस्मिक वेब बनाया। ब्रांचेस से सटी गैस क्लम्प्स में कलेक्ट हुई। इसके अंदर स्टार्स जल उठते हैं और एम्ब्रियोनल कॉस्मोस के जरिए अपने केमिकल्स के भंडार बिखेरते हैं। गैलेक्सीज डार्क मैटर के जाल में इकट्ठा हो जाती हैं और स्पेस में गिरने से बच जाती हैं। इसी तरह से शैडो यूनिवर्स ने आज के कॉस्मोस को बनाया। डार्क मैटर की सबसे खास बात यह है कि भले ही हम नहीं जानते थे कि एग्जिस्ट करता है, पर इसी ने उस यूनिवर्स को बनाया जिसमें आज हम रहते हैं। अगर आप यूनिवर्स की सभी गैलेक्सीज को देखें और वो जहां मौजूद है उसे देखें, तो ये ऑब्वियस है कि वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में पोजीशन्ड है और वो पैटर्न डार्क मैटर की वजह से ही है। डार्क मैटर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसके बिना हमारे यूनिवर्स का बनना मुमकिन नहीं होता। इसकी मदद से साइंटिस्ट्स आज से लेकर पिछले 13.5 बिलियन ईयर्स तक हुए कॉस्मोस के एवोल्यूशन को एक्यूरेट तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। पर बिग बैंग की तलाश में साइंटिस्ट्स समय में और पीछे जाकर यूनिवर्स के शुरुआती 100 मिलियन ईयर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब स्टार्स भी पैदा नहीं हुए थे। उस समय में जाने के लिए साइंटिस्ट्स को नए टूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकें जब लाइट नहीं थी। आखिर कॉस्मिक डार्क एज में कौन से रहस्य छिपे हैं? साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की स्टोरी को फिर से ट्रेस कर रहे हैं। वो शुरुआती समय में जाने के लिए टेलीस्कोप्स की नई जनरेशन और सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। पर बिग बैंग के करीब 200 मिलियन ईयर्स बाद, लगभग उस समय जब पहले स्टार्स जल उठे होंगे, गैस के एक विशाल बादल ने उनका व्यू ब्लॉक कर दिया। समय में पीछे जाने की भी एक लिमिट है, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहां पर यूनिवर्स खुद ओपेक हो जाता है। तो ये एक फॉग जैसा है, आप इसके पार नहीं देख सकते। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स इस धुंध के पार नहीं देख सकते, इसलिए इस समय को कॉस्मिक डार्क एज कहते हैं। पहले स्टार्स खोजने के लिए साइंटिस्ट्स को धुंध के पार देखने का तरीका ढूंढना होगा। सियेरा नेवाडा के बगल में एक खास तरह का टेलीस्कोप लगा हुआ है। ये स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स हमारे यूनिवर्स के शुरुआती 200 मिलियन ईयर्स से एकोस को रिसीव कर रहे हैं। उस समय से अब तक यूनिवर्स अपने ओरिजिनल साइज से 30 गुना ज्यादा फैल चुका है, इसलिए इन एंशियंट टाइम्स में प्रोड्यूस हुई रेडिएशन भी स्ट्रेच हो चुकी है। हम एरा यूनिवर्स के शुरुआती समय वाली रेडिएशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस समय एरा यूनिवर्स में बना रेडिएशन एक्सपैंड हुआ है इतना कि उसे कैप्चर करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज लो होनी चाहिए, इतनी लो कि आपको एक खास तरह के एंटीना की जरूरत पड़ेगी। ग्रेग हेलिनन 288 रेडियो एंटेनास यूज करते हैं जिनसे ओएन्स वैली लॉन्ग वेवलेंथ अरे बनती है। इन्हें 1.5 किलोमीटर के दायरे में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आज वो इनमें से सिर्फ एक की गड़बड़ी ट्रेस कर रहे हैं। क्योंकि यहां सब कुछ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, बस एक टच से सब कुछ उड़ सकता है। वोल्टेज ठीक लग रहा है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सिग्नल पाथ में होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली एक बिल्डिंग में है। ग्रेक की टीम इन सभी एंटेना से आने वाले हल्के सिग्नल्स को कंबाइन करके कॉस्मिक डार्क एज के रेयर इवेंट्स की झलकियां दिखाती है। आज के सुपर कंप्यूटर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि कई सारे एंटेना से आने वाले सिग्नल्स को कंबाइन कर सकें, जैसे कि ये वाला। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि वो स्टार्स बने कैसे। धुएं के पार देखने की कोशिश करने के बजाय ग्रेग का टेलीस्कोप धुंध को ही देखता है, क्योंकि ये धुंध
हमारे यूनिवर्स की स्टोरी में जरूरी रोल निभाती है। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले अंधेरे का राज था। तब कोई स्टार्स या प्लैनेट्स नहीं थे, सिर्फ धुंध थी जो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से बनी थी। समय के साथ साथ ग्रेविटी ने गैस को घने गुच्छों में स्क्वीज कर दिया, जिनसे कॉस्मोस के पहले स्टार्स बने। कम दिन जीने वाली ये फायरबॉल्स इंटेंस ब्लू लाइट देती हैं। जितनी ज्यादा फर्नेसेस जलती चली गईं, घनी धुंध में उतने होल्स जल उठे और स्पेस में पहली स्टार लाइट फैल गई, जिससे डार्क एज का अंत हो गया। ग्रेग के एंटीने पता लगा रहे हैं ये पहले स्टार्स कब चमकना शुरू हुए, पर इतने सिंपल स्ट्रक्चर्स उस इवेंट का पता कैसे लगा सकते हैं जिसका पता दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स भी नहीं लगा पाए। एंटेनाए उस हाइड्रोजन गैस के बादल की थिकनेस मेजर करते हैं। जैसे जैसे स्टार्स चलते गए, वो बादल छंटता चला गया। ग्रेग की टीम डार्क एज के दौरान हाइड्रोजन लेवल में आई गिरावट को ट्रैक करेगी और इस मेजरमेंट से पता लगाया जाएगा कि पहले स्टार्स कब अपीयर हुए होंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है पर डिटेक्टेबल है। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि हमारी गैलेक्सी से आने वाला रेडिएशन डार्क एजेस से आने वाले रेडिएशन से मिलियन टाइम्स ब्राइट है। 150 से ज्यादा होम कंप्यूटर्स के बराबर प्रोसेसिंग पावर का यूज करके ग्रेग की टीम आसपास के सभी स्टार्स फिल्टर कर सकती है, जिससे उस एंशिएंट हाइड्रोजन क्लाउड का हल्का ट्रेस रह जाएगा। अब पहली बार हम सच में आसपास की गैलेक्सीज से आने वाले एमिशन को अलग अलग करके समझ सकते हैं और डार्क एजेस में छुपे उन सीक्रेट्स को जान सकते हैं। ग्रेग और उनके साथी कॉस्मिक डार्क एज की एक झलक देख रहे हैं और अगले 10 सालों में उन्हें उम्मीद है वो जान सकेंगे स्टारलाइट सबसे पहले कब अपीयर हुई थी। जब आप रात को आसमान देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, पर सच यह है कि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की हिस्ट्री में बहुत पीछे जाएं तो आपको पता चलता है कि आसमान आज जो है वो पहले नहीं था। यूनिवर्स की शुरुआत में जरूर ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिन्हें देखने में हमें इंटरेस्ट होता, क्योंकि यूनिवर्स में जो पहले स्टार्स थे वो उन स्टार्स से पूरी तरह अलग थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वो शायद सन के मास से 100 या हो सकता है 1000 टाइम्स ज्यादा बड़े हों। मुझे लगता है वो एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे और सुपरनोवा एक्सप्लोजन में कोलैप्स कर गए होंगे। पर उस हाइड्रोजन की धुंध का क्या हुआ जिनसे ये स्टार्स बने, वो कहां से आई थी और क्या एस्ट्रोनॉमर्स उसके पार देख सकते हैं? बिग बैंग के इतने करीब आकर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। हम बिग बैंग के समय को ऐसे किसी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते जिससे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी की जाती हो, चाहे बात विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट की ही क्यों ना हो। साइंटिस्ट्स को यूनिवर्स के शुरुआती समय के इवेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए नई टेक्निक्स की जरूरत है। डार्क एज जिस धुंध से भरी पड़ी है वो ज्यादातर हाइड्रोजन से बनी है और हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे सिंपल एटम है। हम ये तो जान चुके हैं कि एटम क्या है, पर सच ये है कि वो तो बस पहला पॉइंट है जब बात यूनिवर्स के मैटर को उसके कंपोनेंट पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की हो। हर हाइड्रोजन एटम की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी और बिग बैंग की खोज में लगे साइंटिस्ट्स के लिए अगला बड़ा सवाल यही है। ब्रुकहेवन लॉन्ग आइलैंड में एक टीम उस समय में झांक रही है जब पहले एटम्स भी नहीं बने थे। तो ये है रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर।
इसी में हम उन कंडीशंस को रिक्रिएट कर सकते हैं जो बिग बैंग होने के एक माइक्रोसेकंड बाद रही होंगी। ये उस समय की बात है जब एटम्स नहीं बने थे, ना ही उन एटम्स से स्टार्स बने थे, बल्कि आज गैलेक्सी में पाया जाने वाला कोई भी स्टफ नहीं बना था। पॉल की टीम एक्सेलरेटर के आसपास गोल्ड एटम्स के न्यूक्लियाई फायर कर रही है। ये एक्सेलरेटर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की इन दो रिंग से बना है। इसके अंदर गोल्ड न्यूक्लियाई को लगभग लाइट की स्पीड पर एक्सेलरेट किया जाता है और वो दोनों रिंग्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस पूरी टनल का सर्कमफेरेंस करीब 3 किलोमीटर है और गोल्ड न्यूक्लियाई इस पूरी टनल में 10,000 times per second की स्पीड से मूव करते हैं। न्यूक्लियाई इस जायंट डिटेक्टर के अंदर मिलते हैं और तब के यूनिवर्स का पल भर के लिए स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं जब वो 1 सेकंड की मिलियंथ पार्ट एज की थी, जब एटम्स भी नहीं हुआ करते थे। होता यह है कि जब ये दो गोल्ड न्यूक्लियाई कोलाइड करते हैं तो बहुत ही हॉट और डेंस मैटर क्रिएट होता है जो बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करता है। जब गोल्ड न्यूक्लियाई लाइट की स्पीड तक पहुंचते हैं तो उनमें भरपूर एनर्जी होती है। जब वो टकराते हैं तो वो प्राइमोर्डियल मैटर का मिला जुला सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जो डेंसली पैक्ड और अल्ट्रा हॉट फायरबॉल होती है। बिग बैंग होने के 1 microsecond बाद सारी यूनिवर्स इसी से भरी हुई थी। ये भड़कता प्लाज्मा ठंडा होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में मर्ज हो जाता है जो हर एटम के जरूरी कंपोनेंट्स हैं। ये पीछे जो ट्रेस छोड़ जाते हैं वही ये समझने के लिए जरूरी है कि कॉस्मोस में मैटर सबसे पहले कैसे बना। तो जब आप पहले इन कॉलिजन्स को समझना शुरू करते हैं तो आप सोच में पड़ सकते हैं कि इस तरह के ट्रैक्स से आप क्या सीख सकते हैं। ये रोड पर बने टायर मार्क से ट्रैफिक एक्सीडेंट रिक्रिएट करने जैसा है। डेब्री ट्रैक्स का यूज करके पॉल की टीम ये पता लगा सकती है कि कैसे और कब यूनिवर्स के पहले सेकेंड्स में प्राइमोर्डियल फायरबॉल आज के मैटर में सेट हो गया। कैसे एग्जैक्टली उन चीजों में ये ट्रांजिशन हुआ था जिससे आज हम बने हैं, और इन कॉलिजन्स को देखकर और जिन एनर्जीज के साथ हम इन कॉलिजन्स को देख रहे हैं, कितनी एनर्जी हम सिस्टम में डाल रहे हैं वो बदल कर हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। साइंटिस्ट्स अब हमारे यूनिवर्स की कहानी ठीक उसके जन्म के पल से रिक्रिएट कर सकते हैं। बिग बैंग के 1 microsecond के बाद यूनिवर्स प्राइमोर्डियल मैटर का एक गाढ़ा खोलता हुआ सूप था। 1 सेकंड के अंदर ये फायरबॉल जमकर पार्टिकल्स का बादल बनना शुरू हुआ। 380,000 ईयर्स बाद एनर्जी के एक झटके से सिंपल एटम्स बने, जिससे एलिमेंटल गैस का बढ़ता हुआ फॉग बना जो इस यूनिवर्स में कम से कम 100 million ईयर्स तक तैरता रहा। प्राइमोर्डियल सूप के बेहद गर्म वर्ल्ड में झांकने से साइंटिस्ट्स पहले से कहीं ज्यादा वक्त में पीछे जाकर बिग बैंग के बाद के सबसे पहले माइक्रोसेकंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस फर्स्ट माइक्रोसेकंड के परे देखने के लिए उन्हें एक नई रियलिटी में जाना होगा। जो फिजिकल कंडीशंस इससे पहले के यूनिवर्स में थी वो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस की किसी भी बात से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त की कंडीशंस इतनी जबरदस्त हॉट और डेंस थी कि हमारे फिजिक्स के लॉज भी अप्लाई नहीं होते थे। सबसे बड़ा सवाल बाकी है, हमारे यूनिवर्स का फर्स्ट मोमेंट क्या था? बलून से जुड़ा टेलीस्कोप शायद इस लास्ट मिस्ट्री का जवाब दे सके। ये बहुत ही अमेजिंग है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो हमें थोड़ी इनसाइट दे सकते हैं, ना सिर्फ यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में बल्कि ये भी कि यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। साइंटिस्ट्स सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटे हुए हैं। यूनिवर्स की शुरुआत में क्या हुआ, वो उस पॉइंट से बहुत आगे पहुंचे हैं जहां तक आम टेलीस्कोप्स देख सकते हैं, यानी बिग बैंग के बाद का पहला माइक्रोसेकेंड। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? यूनिवर्स का ये शुरुआती टाइम हमारे लिए अब भी एक मिस्ट्री है। हम वो मिस्ट्री समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम मॉडर्न फिजिक्स के जरिए भी नहीं पहुंच सकते।
सिर्फ एक ही क्लू बचता है। न्यू मेक्सिको के प्लेन्स के ऊंचाई पर नासा इंजीनियर्स एक नए तरह का टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह कामयाब हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट्स आखिरकार यूनिवर्स के शुरुआती पल की छानबीन कर सकते हैं, यानी एक सेकेंड के ट्रिलियंथ के ट्रिलियंथ के पहला ट्रिलियंथ हिस्सा। ऐसा एक भी सवाल सोचना मुश्किल होगा जो स्पेस टाइम के शुरुआत से और यूनिवर्स के फ्यूचर से बड़ा हो, और मुझे लगता है कि ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। एल कोगट पाइपर टेलीस्कोप ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। पाइपर टेलीस्कोप 100 मीटर ऊंचे एक बलून से लटकी होगी जिसकी स्किन एक ग्रोसरी बैग जितनी पतली होगी। वो 37 किलोमीटर ऊपर जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के छोर के नजदीक। यहां वो हमारे यूनिवर्स की हमारे पास मौजूद सबसे पुरानी इमेज में नया डिटेल ढूंढेगा। रेडियो टेलीस्कोप को सही फ्रीक्वेंसी पर रखने से पता चलता है कि स्पेस रेडिएशन से गूंज रहा है। साइंटिस्ट्स को पता होने वाले सारे एनर्जी सोर्सेस जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज और डस्ट को हटाने पर एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट की फीकी चमक वहां बचती है जो पहले एटम्स बनने पर रिलीज हुई थी। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और यह शुरुआती यूनिवर्स का हीट मैप है जिस पर इसके वायलेंट बर्थ के निशान है। इस इमेज में वो क्लूज छुपे हैं जो हमारे यूनिवर्स के सबसे पहले पल के बारे में बता सकते हैं। पाइपर टेलीस्कोप इन्फ्लेशन नाम के एक प्रोसेस के निशानों को ढूंढ रहा है जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड पिक्चर में छुपे हैं। इन्फ्लेशन साइंस का सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है कि हमारा कॉस्मोस कैसे बना। पूरा यूनिवर्स सोच से भी परे छोटी जगह में समाया और लाइट की स्पीड से भी तेजी से एक्सपैंड हुआ। किसी के पास इसका पक्का सबूत नहीं है कि ऐसा हो सकता था, बस ये अंदाजा है। क्या हम असल में सब कुछ फिट कर सकते हैं? सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, क्या वो सब कुछ एक प्रोटॉन जैसे छोटी चीज में फिट हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो पाइपर को उसके सटल सिग्नेचर्स दिखेंगे। इन्फ्लेशन ढूंढने के लिए पाइपर इस तरह से पैटर्न देखेगा जिस तरह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एनर्जी रिलीज की गई है। अगर आप वो देख पाते हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट देख सकता है, तो आप अगर स्काई को देखेंगे तो वो आपको काफी हद तक वैन गो पेंटिंग जैसा लगेगा। टेलीस्कोप एक खास तरह के स्पाइरल को खोज रहा है जो और ब्राइट सर्कल्स और लाइंस में छुपा है। उसे ढूंढने से पता चलेगा कि बिग बैंग के दौरान असल में क्या हुआ था। उम्मीद है पाइपर 3 साल के दौरान 8 बार उड़ेगा। अगर उसे इन्फ्लेशन दिखा तो वो आखिरकार टाइम की शुरुआत दिखाएगा। अगर हमें इन्फ्लेशन मिला तो मेरे ख्याल से वो काफी सेटिस्फाइंग होगा। मैंने अपने करियर का बहुत बड़ा हिस्सा इस खोज में लगाया है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई है। तो साइंस अब टाइम रिवाइंड कर सकता है। हमारे कॉस्मोस को उतने नजदीक रिट्रेस कर रहा है जितना आज बिग बैंग के नजदीक पहुंचा जा सकता है। गैलेक्सीज और स्टार्स यूनिवर्स में 13.6 बिलियन ईयर्स से हैं। उससे पहले 200 मिलियन ईयर्स तक लगभग एकदम अंधेरा था जब यूनिवर्स ज्यादातर हाइड्रोजन की धुंध था। उसके और पीछे हम देखें तो कॉस्मोस हॉटर और स्मॉलर बनता है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यह एक धधकता फायरबॉल था लगभग अर्थ के साइज का, जो सबसे ज्यादा मुमकिन थ्योरी के हिसाब से एक बहुत ही नन्हे से पॉइंट से एक्सपैंड हुआ था। आज हम बिग बैंग के इतने ही नजदीक जा सकते हैं जो सभी चीजों की शुरुआत है।
हम बिग बैंग के बाद के हाफ अ सेकेंड, मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड तक पहुंचे, लेकिन हम बिग बैंग के बाद के जीरो सेकेंड्स क्रिएशन तक जाना चाहते हैं, लेकिन इक्वेशंस हमें फेल कर देती हैं। टाइम इक्वल जीरो पर क्या हुआ था वो जानने के लिए हमें ये समझ होनी चाहिए कि बिग बैंग से पहले क्या था, मतलब जब टाइम जीरो से कम रहा होगा। आज का कोई एक्सपेरिमेंट हमें ठीक बिग बैंग तक पीछे नहीं ले जा सकता, इसलिए साइंटिस्ट्स जवाब ढूंढने के लिए बिग बैंग से पहले के बारे में सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि यूनिवर्स बगैर किसी चीज के पैदा हुआ। हमें लगता है जरूर किसी चीज ने यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू किया होगा, लेकिन टाइम की शुरुआत से पहले के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की, अलग टाइम्स की, अलग स्पेसेस की, जो ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली समझ ही नहीं सकता। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं है, बिग बैंग से ही टाइम शुरू होता है, इसलिए हम पहले के बारे में बात नहीं कर सकते, वो बेकार का कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ हमें नहीं पता कि वैसा कोई केस है, ऐसा हो सकता था कि इसके बजाय हमारा यूनिवर्स, हमारा बिग बैंग शायद प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में एक इंटरेस्टिंग इवेंट रहा होगा, और उस बड़े कैनवस में शायद हमारे बिग बैंग के होने से पहले दूसरी चीजें आई और गई होंगी। क्या एक यूनिवर्स के अंत में अगले की शुरुआत का क्लू हो सकता है? क्योंकि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता रहता है, कुछ टाइम के बाद वो एक ठंडे बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगा, गैलेक्सीज बिखरने लगेंगी, अंदर जबरदस्त हलचल मच जाएगी, स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा और उनके न्यूक्लियर इंजन्स अंदर की तरफ फट जाएंगे। जब ठंडे पड़ रहे यूनिवर्स में से लाइट खत्म हो जाएगी तो आखिरी सर्वाइवर्स ब्लैक होल्स भी गायब हो जाएंगे, और फिर पूरा कॉस्मोस और कुछ नहीं बल्कि टाइनी पार्टिकल्स का एक डेड स्पार्स सूप बन जाएगा। चीजें बस इस फैलते हुए एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी और कुछ नहीं होगा, शायद वही हमारे फ्यूचर में होगा। ये ठंडा खाली यूनिवर्स शायद बिग बैंग के पहले के हमारे कॉस्मोस से कई बातों में मिलता जुलता होगा। हर चीज इतनी ज्यादा फैली होगी कि टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और कुछ ना होने यानी एक ही वक्त इनफाइनाइटली बिग और स्मॉल होने के इस हालत में ऐसा हो सकता है कि एक नया यूनिवर्स कॉस्मोस 2.0 को शुरू से बनाना शुरू करे। जब बात बिग बैंग की हो तो हमें इतना पता है कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बिग बैंग हुआ था। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई अभी हम उस बारे में उतना नहीं जानते। हमें जरूरत है अलग तरह के फिजिक्स और आइडियाज की, स्पेस और टाइम के आइडियाज की भी, लेकिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बिग बैंग यूनिवर्स की हर चीज का सोर्स है, लेकिन जब तक साइंटिस्ट्स ये पता नहीं लगा पाते कि पहले फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में क्या हुआ था, हर चीज की शुरुआत के बारे में खोज करने के लिए मिस्ट्रीज बाकी रहेंगी।